गुड इवनिंग टू ऑल, दिस इज़ रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जो एग्ज़ाम हुआ था सेकेंड शिफ्ट में, उसके हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस मुझे मिल पाए हैं इसमें, 40 to 50 कह सकते हैं। तो वैसे पेपर तो इसमें मिला नहीं है, फर्स्ट शिफ्ट का मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। और इसमें कह सकते हैं एग्ज़ाम ईजी कह सकते हैं, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के मिल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इजी लेवल रहा है पेपर का। तो चलिए देख लेते हैं जो क्वेश्चन हमें मिले हैं। एक क्वेश्चन था, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कब निर्धारित किया गया? या तो फिर अधिवेशन पूछा कि अधिवेशन कहाँ हुआ, या फिर ये पूछा गया कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कब निर्धारित किया गया। तो ये आ जाएगा, इसका टाइम पीरियड अगर पूछा है तो 1929 आ जाएगा, और अगर जगह पूछी है तो लाहौर आ जाएगा। इसके बाद, खिलाफत आंदोलन में गांधी के समर्थन में कौन नहीं था? तो कौन नहीं था, अब कई लोग थे इसमें, एक तो मोहम्मद अली जिन्ना ही हैं और एनी बेसेंट हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में रहा होगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, कितने साल का होता है? वैसे तो 6 साल का होता है कार्यकाल, लेकिन ये एक तिहाई जो सदस्य होते हैं इसके, उनका हर 2 साल में क्या है, रिटायरमेंट हो जाती है। इसके बाद है नागार्जुन बांध, नागार्जुन भी मात्रा नहीं लगी, नागार्जुन बांध किस नदी पर था, किस नदी पर है? तो ये कृष्णा नदी पर है। इसके बाद है, दूध का दूध पानी का पानी, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है सच्चा न्याय करना, मतलब सही न्याय करना। पंचायती राज व्यवस्था के स्तर पूछे गए थे कि कितने स्तर की होती है पंचायती राज व्यवस्था, तो इसके 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत। श्वेत क्रांति के जनक पूछे थे, तो ये हैं वर्गीज कुरियन। विदेशी यात्रियों का भारत आगमन का क्रम पूछा था, तो इसमें फाइयान, वेनसांग और टॉम्स रो, तो इनका क्रम पूछा गया था, तो ये इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद है, इंडिका किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी मैगस्थनीज ने। फिर है, वैश्विक शांति सूचकांक में पहले स्थान पर कौन था, कौन सा देश था? तो ये है आइसलैंड हो जाएगा इसमें। अगर इंडिया का स्थान अगर इसमें पूछा जाता तो होता 135। एक इसमें फिर देखो, ये क्वेश्चन है मैथ का, इसमें देखो इस तरह से अंडर रूट में संख्या दी हुई है एक पॉइंट लगाकर। तो ये अगर आप इसका पॉइंट हटा देंगे, यहाँ पर ये पॉइंट लगा हुआ था, ये जो मैंने हटा दिया है यहाँ पर, तो ये पॉइंट अगर इसको हटा देंगे तो इसका जो है, जो इनकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी ये निकल कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो इसमें बहिष्कार की शुद्ध वर्तनी पूछी थी, तो अलग अलग वर्तनी दी हुई थी बहिष्कार की, तो शुद्ध वर्तनी इसकी ये हो जाएगी। इसके बाद है, कीन शब्द जो है इसका सिनोनिम पूछा गया था, इंग्लिश में आया था ये, तो सिनोनिम इसके कई सारे हैं, ये एक्यूट, एस्ट्यूट, सेगेसियस, क्लेवर, तो इनमें से अगर कोई भी ऑप्शन होगा तो वो सही हो जाएगा। फिर है, हम्बल का सिनोनिम डाउन टू अर्थ, डेम्योर, मॉडेस्ट, तो इसके अलावा और भी हैं। इसके अलावा देखो, इंग्लिश से पैसेज पूछा गया था, जिससे कि पैसेज के 3-4 क्वेश्चन देखे गए थे। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन देखने को मिला था, ये वर्ड था जिसकी कोडिंग डिकोडिंग में पूछा गया था, इसमें से ही इसके लेटर्स को इधर उधर कर दिया गया था, तो वो तो क्वेश्चन देखकर ही पता चलेगा कि क्या था इसमें, क्या पूछा गया था। एक ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया था कि ये क्या था इसमें, कि एक आदमी ने एक लड़की से कहा, तुम्हारे माँ का जो पति है उसकी जो बहन है वो मेरी माँ है, तो उस औरत से आदमी का क्या संबंध है? मतलब जो हमसे रिलेशन पूछा है वो इसका और इसका पूछा है। तो अब देखो, जैसे जैसे ये बोलता है उसके अकॉर्डिंग हम जैसे रिलेशन अगर बनाएंगे, तो लड़की से जो कहा है, तो लड़की के बारे में अगर ये कहता है तो हम कुछ इस तरह से बनाएंगे इसको। तो ये हो गई लड़की, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि तुम्हारी माँ का जो पति है, तुम्हारी जो माँ हो गई, तो माँ हम ऐसे बना लेंगे, माँ का हस्बैंड हमने हमने यहाँ पर दिखा दिया ये, और इसका जो पति है और पति की जो बहन है, तो ये बहन यहाँ पर आ जाएगी, और तो जो बहन है
वो मेरी माँ है। तो ये हो गया वो लड़का जो बात कर रहा है इस लड़की से। तो इस लड़के ने कहा है, जो ये जो बहन है इनकी, ये बहन हमने देखी थी यहाँ पर, तो ये इसकी माँ हो गई इस लड़के की। तो इस लड़की से रिलेशन पूछा गया है। तो अब ये जो लड़के की जो माँ है, इनके जो भाई हैं, ये इनके भाई हो गए, तो भाई की ये बेटी हुई, क्योंकि भाई की जो वाइफ है ये इसकी माँ है इस लड़की की। तो अब माँ और ये हो गए इसके पिता, तो दोनों की ये कौन हो गई? बेटी हो गई। तो इसके लड़के के जो माँ के जो भाई हैं, भाई की बेटी है, तो इसका मतलब ये किसकी, इसकी क्या हो गई? कज़िन हो गई है। तो ये आपस में इनका रिलेशन क्या हो गया? कज़िन का मतलब। और हिंदी में बात करें तो बहन कहा जाएगा, या फिर अगर इसके लिए पूछा गया होगा तो भाई कहा जाएगा। मतलब दोनों में से जो भी रिलेशन पूछा गया हो उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा, भाई या बहन। इसके बाद क्वेश्चन है, 1991 में भारत के पीएम कौन थे? तो ये थे पीवी नरसिम्हा राव। इसके बाद साइमन कमीशन भारत आया था, तो ये आया था 1928 में। इसके बाद क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुआ? तो ये थे प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था सिराजुद्दौला। फिर है, रेजिस्टेंस का यूनिट पूछा था क्या होता है, तो ओम होता है। फिर है, लेमन में कौन सा एसिड मिलता है? तो ये सिट्रिक एसिड मिलता है। अपर लेयर ऑफ स्किन, मतलब स्किन की जो ऊपरी लेयर होती है उसको क्या कहते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। फिर ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? तो ये है नाइट्रोजन नहीं है। तो बाकी जो दिए हुए थे ऑप्शन वो ग्रीन हाउस गैस के दिए हुए थे, और नाइट्रोजन वाला जो ऑप्शन था ये उसमें से सबसे अलग था। और ये नमस्ते योग कार्यक्रम पूछा था किस मंत्रालय ने चलाया? तो आयुष मंत्रालय ने चलाया ये। सारे निवासियों का स्वास्थ्य बीमा कौन से राज्य ने करा रखा है? मतलब उसके राज्य के जो निवासी हैं सभी का उन्होंने स्वास्थ्य बीमा कराया हुआ है, हेल्थ इंश्योरेंस कराया हुआ। तो ये है स्टेट राजस्थान। तो राजस्थान ने अपने जो भी निवासी हैं उनका स्वास्थ्य बीमा कराया हुआ है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। और जो भारतीय जो हिंदी दिवस है उसका बताइए कमेंट बॉक्स में कि वो कब मनाया जाता है। खजुराहो कहाँ पर है, और या फिर कहें तो किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है, और कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। कर्कट रोग किस कारण से होता है? तो इसमें ये कई सारे कारण हो सकते हैं, इसके कई चीज़ें हैं जो इसका कारण होती हैं, अल्कोहल, रेडियम। ये क्वेश्चन कुछ क्लियर नहीं है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तमिलनाडु की चुनाव विजेता पार्टी, मतलब चुनाव की जिस पार्टी ने जीता है, इसको डीएमके भी बोल देते हैं, और एआईएडीएमके भी बोल देंगे इसको। दोनों में से जो भी ऑप्शन में रहा होगा वो सही हो जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र जो छत्तीसगढ़ में है, उसके लिए कच्चा माल कहाँ से मिलता है? तो ये आता है कोरबा छत्तीसगढ़ से, तो ये भी छत्तीसगढ़ में ये प्लेस जहाँ से कच्चा माल आता है। काकोरी कांड को किसने कराया, मतलब अंजाम को किसने दिया ये हम कह सकते हैं? तो ये दिया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने, मतलब एसोसिएशन ने। शॉर्ट में कहें तो एच आर ए हो जाएगा शॉर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। फिर है, मलेरिया किससे फैलता है? मलेरिया फैलता है मादा एनोफिलीज से। इसके बाद है, धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है जो राज्य किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देता, मतलब किसी एक धर्म का वो समर्थन नहीं करता, उसके लिए सभी धर्म समान हैं, तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है वो। और इसके अलावा देखो, केवलादेव घाना पक्षी विहार का दूसरा नाम पूछा हमसे क्या है? तो ये है भरतपुर पक्षी विहार। और क्यों है ये इसका दूसरा नाम? क्योंकि ये राजस्थान के भरतपुर शहर में स्थित है। पैरा ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक, तो ये ध्वजवाहक हैं भारत की तरफ से, मरियप्पन थंगावेलु। फिर पूछा, सऊदी अरब की राजधानी कौन सी? तो ये है रियाद। फिर पूछा, थर्ड ड्रैगन किसको कहा जाता है? तो ड्रैगन नहीं पूछा, ड्रैगन तो कहते हैं चीन को, थर्ड ड्रैगन पूछा तो नेपाल को कहते हैं। इसके बाद माउंट एवरेस्ट पर फर्स्ट महिला, मतलब जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे जाने वाली महिला हैं वो कौन सी? शेरपा तेंजिंग नॉर्गे। इसके बाद है, यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, क्योंकि 1945 में इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर के दिन ही, तो इसलिए मनाया जाता है।
फिर पूछा किससे, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग जो पासपोर्ट है वो किसका है, या फिर कहें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पूछा, नंबर वन रैंकिंग पे कौन है, तो ये जापान में है, जापान है। फिर है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ जे होगा यहाँ पर। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये है द हैग में, नीदरलैंड में। आर्टिकल 40 का संबंध किससे है, तो यह है पंचायती राज से, और आर्टिकल 243 का भी संबंध है पंचायती राज से। आर्थिक न्याय का उल्लेख कहाँ पर किया गया है, तो आर्थिक न्याय का उल्लेख दो जगह पर किया गया है, प्रस्तावना में और DPSP पे। RBI ने किस कार्ड को बैन किया है, तो ये क्या है, मास्टर कार्ड को। और मैथ की बात की जाए, तो मैथ में DI के क्वेश्चंस आए थे। तो ये था हमारा एग्ज़ाम का रिव्यू, या फिर एनालिसिस कहें, कि कितने क्वेश्चंस आए थे कहाँ से। तो ये टोटल 45 क्वेश्चंस मुझे मिल पाए हैं, बाकी बचे कितने, 55। तो अब वही है कि क्वेश्चन पेपर तो मिलता नहीं है, तो सभी लोग याद नहीं रख पाते हैं इतने क्वेश्चंस को, तो ये भी मिल गए, बहुत बड़ी बात है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग, स्टडी मोर नॉलेज, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे नोटिफिकेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।